आज ना कुछ ऐसा करने का सोचा है जो पता नहीं का हिम्मत कहाँ से आई मेरे को ना हॉरर चीज़ों से डर लगती है ठीक है तो मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती और कुछ भी भूतिया चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ पर आज अचानक से कुछ डेयरिंग करने का मन किया मेरे लिए डेयरिंग है बहुत लोगों के लिए बहुत डेयरिंग होती नहीं है मेरे लिए है तो अभी नहीं बताती हूँ आई शो यू वॉट आई एम ट्राइंग टू डू देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है मेरे लिए कितनी है पता नहीं आई विल सी कॉलेज तो कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज यहाँ से पढ़ के दे हैव ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज आई एम क्रॉसिंग आर्च बिशप्स हाउस एंड द प्रे हो रही है आई कैन हियर एंड आई एम स्टिल वॉकिंग दिस इज क्राइस्ट फाइनली आई रीच्ड मुझे पता नहीं थी कि ये लाइक मेट्रो स्टेशन से कितनी दूर है तो मैंने चलने का डिसाइड किया यू कुड मेरे वीडियोस में देखा कि मैं चलते 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 फाइनली पहुंच गई सो होप यू कैन सी दी प्लेस बिहाइंड मी यस दिस इज़ दी प्लेस पार्क स्ट्रीट सिमेट्री मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ बहुत सुना है इस प्लेस के बारे में कोलकाता की हॉन्टेड प्लेसेस में भी इसका नाम है तो मुझे भूतों से बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आई नीड टू चेक आउट दिस प्लेस अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है डर ऑब्वियसली डर लग रहा है पता नहीं क्योंकि मुझे भूतों से डर लगती है तो मैंने बोला जैसे कि तो डर लग रहा है फिर भी मुझे देखना है कि कैसा है अंदर क्या है कैसा फीलिंग होता है तो आई थॉट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय विद मी देखते हैं और जैसे कि मैंने बोला डर के आगे जीत है मेरे लिए आगे क्या है पता नहीं मेरे डर के आगे क्या है आई डोंट नो सो आई कम हियर टू एक्सप्लोर द प्लेस लेट्स एंजॉय लेट्स सी साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री ओपन इन द ईयर 1767 एंड क्लोज इन द ईयर 1790 ओके I've entered the cemetery और चारों तरफ you can see बहुत सारी tombs है सब में नाम भी लिखा हुआ है मिसेस सारा सेलिया डंकन विड ऑफ द लेट रॉबर्ट डंकन डिटेल्स है बहुत पुरानी है ये सिमेट्री बहुत ही पुरानी इट बिलोंग्स टू 1700s तब की कितनी सारी मेमोरीज यहाँ पे कैप्टन डब्ल्यू मैके 1741-1805 वाओ Thank you.
purani purani tombs hai. So many years old. Captain Denis Bodkin, who departed his life on the 17th October 1807. He was only 26 years. George Thompson, senior merchant on the Bengal Civil Establishment. So many things wrong. And this is of Colonel John Patton. He was 63 years. Can you see that? एकदम जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज में दिखती है. My God. So this is the Park Street Cemetery. This has got a huge history behind it. This was opened in the year 1767 and was in use till 1830. This is the largest cemetery jo ki Europe aur America ke baad ye largest cemetery hai, that is the non-church cemetery for the Christians. ये बहुत अभी इसको हेरिटेज साइट बना दिया गया एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अ वेरी साइलेंट प्लेस. यहाँ पे बहुत से लोग अभी आते हैं. अभी तो ये यूज़ में नहीं है इसलिए अभी लोग दे विजिट ओवर हियर, दे एंजॉय द प्लेस, दे सी द प्लेस. बहुत सीरीन सी है बट इसके ये जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में है. तो कोलकाता की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है उसके लिस्ट में दिस प्लेस इज देयर. यहाँ आने के बाद बहुतों ने कंप्लेन की है कि दे हैव एक्सपीरियंस डिजीनेस, दे हैव एक्सपीरियंस लाइक वियर्ड एक्सपीरियंसेस उनको हुआ वापस जाने के बाद. तो आई डोंट नो बट लेट्स सी. और इसका नाम है लाइक इफ़ यू कैन गूगल इट आपको विकिपीडिया में भी दिखेगी लाइक इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस. ऐसे तो अभी शाम हो रही है तो इट्स लाइक मेनी पीपल आर देयर. अभी ठीक है पता नहीं देखते हैं. कहते हैं कि रात को तो ये बंद ही रहती है बट स्टिल पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड वियर्ड थिंग्स, दे हैड वियर्ड फीलिंग्स. आई डोंट नो मुझे भी अभी तक तो ठीक ही लगी है. लेट्स सी आगे क्या होता है. मैं थोड़ा घूम लेती हूँ देखती हूँ और क्या क्या है. एंड लाइक देयर आर वेरी मेनी टूम्स ओवर हियर. कुछ स्पेशल टूम्स है जिसके बारे में बहुत कुछ मेंशन्ड है. तो देखती हूँ अगर वो मुझे देखने को मिलती है. बहुत सारी लिस्ट है वो अगर मुझे देखने को मिलती है देन आई विल ट्राई टू शो यू. अजीब सी लग रही है वो जगह. हर ट्यूब में नंबर मेंशन्ड है. नाम मिट चुकी है क्योंकि ट्यूब बहुत पुरानी है तो शायद नाम मिट चुकी है बट एज यू कैन सी नंबर्स पता नहीं शायद रिसेंटली लिखी गई हो. October 18th, age 25 years. इतना जल्दी जल्दी क्यों मर जाते थे.
इस पेड़ में कुछ अजीब है क्या? Why is it surrounded? बहुत पुरानी है तो नहीं समझ में आ रहा है. ओके, सो दिस टूम हैज बीन रिस्टोर्ड थ्रू द जेनरोसिटी ऑफ द आर्मेनियन चर्च. ओके, दिस इज द टूम ऑफ कॉलिन मैकेंजी ऑफ इंजीनियर्स ऑन द मद्रास एस्टेब्लिशमेंट. इनके टूम के बारे में मैंने पढ़ा था एंड इज मेंशन्ड, तो काफ़ी फेमस टूम में से इनका भी एक टूम है, कॉलिन मैकेंजी. Yes, this is Colin Mackenzie's tomb and it's like decorated. He departed on 8th May. सो आपने देखा, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्क स्ट्रीट सिमेट्री. बहुत फेमस प्लेस है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ कोलकाता. क्या बोलूँ इसके बारे में, आई डोंट हैव मच वर्ड्स टू से, क्योंकि अजीब सी एक फीलिंग है यहाँ आने के बाद. इतने सारे लोग, लाइक ऑलमोस्ट 1600 टूम्स हैं यहाँ पे. वी कैन नॉट से देयर डेड, लाइक नहीं, बट इनकी मेमोरीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, इनकी फैमिली वालों की मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई है. सो इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑल टुगेदर. तो अच्छा लगा, आई डोंट नो, अच्छा, हाँ, अजीब सी फीलिंग है यहाँ आने के बाद, बिकॉज व्हेन यू रीड दी नेम्स एंड व्हेन यू रीड कि देयर डेथ डेट एंड देयर ब्रेथ देयर लास्ट, ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंज तो लगता ही है, लाइक एंड उनकी यहाँ पे मेमोरीज अटैच्ड है. सो इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग, बट होप आप लोग को अच्छी लगी है, ये लगी होगी ये वीडियो. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड पॉजिटिवली सब्सक्राइब करना. बाय. एंड यस, रिमेंबर ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग एंड स्टे हैप्पी. चलो बाय.